गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं ये प्यारे प्यारे रोज़ से। देखिए कितने सारे रोज़ आए हुए हैं और कलियाँ देखिए फ्रेंड्स किस तरह से भरी हुई हैं। पूरे पॉट मेरा जो है फूलों से भर गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने सारे फूल इस पे खिले हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी हैं और यहाँ देखें कलियाँ कितनी ज़बरदस्त। एक ही प्लांट पर इतने ज़्यादा फूल देखें फ्रेंड्स। पीछे तक आपको मैं यहाँ पर भी दिखाऊं। देखिए फ्रेंड्स कितने सारे फूल इस पे खिले हैं। तो फ्रेंड्स मेरा टॉपिक आज का ये नहीं है। तो मेरा टॉपिक तो है आज का किचन गार्डन का, मैं अपडेट देने जा रही थी आपको। तो चलिए फ्रेंड्स मेरा किचन गार्डन का अपडेट भी देख लेते हैं। और छोटी सी देखिए यहाँ पर भी मेरे गलार्डिया हैं जो बहुत ही खूबसूरत से खिले हैं। देखिए फ्रेंड्स और यहाँ पर अभी जो बाहर का सीज़न है फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग लेकर आया है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे किचन गार्डन में चलते हैं और आपको आपका अपडेट दे देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने कुछ ही अर्से पहले आपसे शेयर किया था कि मैंने इसमें तरई के सीड डाले हैं। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर निकल आए हैं और एक तरह यहाँ निकली है और यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे लगता है यहाँ पर कद्दू निकल आया है, तो कोई सीड्स गिर गया होगा। तो यहाँ पर भी देखें कद्दू के बीज जो हैं निकल आ रहे हैं। जो इसमें से अच्छे प्लांट होंगे वही मैं रख लूँगी। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर निकला है कद्दू का बीज और यहाँ पर सनफ्लावर हैं जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखें बैंगन के प्लांट हैं और इस साइड पर अभी मैंने जो घिया के बीज लगाए थे यानी कि लौकी के, उसमें से अभी एक भी जो है जर्मिनेट नहीं हो पाया है। तो अभी देखते हैं कुछ शायद मुझे अभी लग रहा है जैसे कि उभार सा देख रहे हैं आप। हो सकता है दो तीन दिन में ये बीज जो हैं बाहर आ जाएं। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ तो बहुत अच्छे से तुरई जो है बहुत ही फर्स्ट क्लास से निकल आई है। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स बैंगन के प्लांट हैं जो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं मेरे। तो फ्रेंड्स इधर भी चलते हैं और यहाँ पर मैंने जो है यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये खीरा के बीज लगाए हैं जो अभी एक आध शायद निकल आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से नहीं निकला है फ्रेंड्स। तो इधर चलते हैं, यहाँ पर देखें जो मैंने ककड़ी के बीज लगाए थे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ककड़ी के बीज जो हैं काफ़ी अच्छे से निकल आ रहे हैं। और ककड़ी जो है गर्मी की बहुत अच्छी वेजिटेबल और हेल्दी सलाद माना जाता है फ्रेंड्स, यानी कि जो है बहुत ही अच्छे इसमें प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। तो यानी कि जो देखिए फ्रेंड्स मेरे ककड़ी के बीज हैं जो वो निकल आए हैं। बाकी जो मैंने बीज डाले थे वो कुछ कुछ निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और इधर चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे किचन गार्डन में देखिए ये बैंगन का प्लांट है। एक ही प्लांट मैंने इस पॉट में लगाया हुआ है, आप पॉट का साइज़ देख सकते हैं। और इसमें देखें फ्रेंड्स कितनी सारी फ्लावरिंग है। और इसमें से फ्रेंड्स जो हैं आपको दिखाऊं, ये मेल फीमेल जो फ्लावर हैं वो एक साथ खिलते हैं। और यहाँ पर जो छोटी सी ये देख रहे हैं इसमें एक डंडी सी, तो ये मेल फ्लावर सॉरी फ्रेंड्स ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। तो फ्रेंड्स इसमें से कुछ ही फ्रूट जो हैं बन पाएंगे, बाकी जो मेल फ्लावर हैं वो झड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के पीछे फ्रूटिंग होती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग हो, इसमें जो है फ्लावरिंग बहुत अच्छे से आ रही है। और यहाँ पर भी मेरे जो बैंगन के प्लांट हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट मिले हैं मुझे। और फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया भी वो पर्पल बैंगन के हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये वाइट बैंगन जो लगाए थे मैंने, देखिए इन पे भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग है। और यहाँ पे एक फीमेल फ्लावर है जो है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इस साइड पर भी देखें ये वाइट जो बैंगन के प्लांट हैं वो हैं। और इस साइड पर एक पर्पल कलर का भी लगा है फ्रेंड्स देखिए। और कुछ जो टमाटर हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं देखिए फ्रेंड्स। और मैं शायद अभी मैंने नर्सरी तैयार कर ली है टमाटर की, तो देखते हैं कब तक वो सीड्स ग्रो होते हैं, तो मैं आपको वो भी शो करवाती हूँ अभी। और यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे किचन गार्डन में नींबू जो है बहुत ही अच्छे इस बार इतना साइज़ अच्छा हो गया है फ्रेंड्स। तो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि जो नींबू का प्लांट है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग ही फ्रूटिंग करना स्टार्ट करता है। तो जिस तरह से अभी इसकी फ्रूटिंग है, जो अभी मेरे पास ये 3-4 साल का प्लांट हो गया है 3 साल का, तो अब जाकर इसमें अच्छी फ्रूटिंग हुई है। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से भरा पड़ा है मेरे नींबू का प्लांट ही।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छी इसकी जो है अभी एज हो गई है, तो बहुत अच्छे से इसने फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी है और जो फ्रूट का साइज़ है वो भी अच्छे से बढ़ने लगा है। तो मेरा जब ये प्लांट छोटा था फ्रेंड्स, तभी मैंने देखा कि छोटे ही फ्रूटिंग रह जाती है और साइज़ जो है बड़ा नहीं हो पाता है और जल्दी पकते भी नहीं हैं फ्रूट, लेकिन ये एज के अकॉर्डिंग ही फ्रूटिंग करता है। और इस साइड पे नारंगी जो बोलते हैं फ्रेंड्स, यानी कि चाइनीज़ ऑरेंज है, ये भी बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करता है। और देखिए इस पर भी नए नए जो फूल हैं वो आने लगे हैं और छोटी छोटी फ्रूटिंग जो है स्टार्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लौकी लगाई थी, मैंने एक ही बीज डाला था इसमें, तो वो बहुत ही अच्छे से देखिए लौकी का बीज जो है निकल आया है। और यहाँ पर ये मेरा 15 दिन का अपडेट है, 15 दिन में देखिए इतनी बड़ी ये लौकी हो चुकी है। और मैंने इसको अभी ढक के रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम ज़्यादा धूप नहीं दे सकते इसको, क्योंकि मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया है। तो लौकी मेरे पास मैंने किसी और चीज़ में ग्रो की थी, वो मैं आपको वीडियो शूट करना भूल गई फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अभी इसमें शिफ्ट किया है, तो इसको अभी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा छोटा सा किचन गार्डन का अपडेट है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, चलती हूँ मैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स ये जब ये मेरे पास लौकी के बीज निकल आएंगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।